और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 9 नवंबर को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। यूं कहें कि यूसीसी लागू होगा। यूसीसी की नियमावली समिति का अंतिम चरण में कार्य चल रहा है। नियमावली समिति जल्द मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी और प्रमुख सेवाओं से परस्पर ये यूसीसी पोर्टल जुड़ा होगा। 9 नवंबर को यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर थी और ये कहा जा रहा था कि इससे पहले भी जब बातें की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, तो इसे नामुमकिन भी कहा जा रहा था, लेकिन उत्तराखंड में हम इसे होता हुआ देख रहे हैं और 9 तारीख को भी बताया जा रहा है कि इसको लागू किया जा सकता है। सोनू हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। यूसीसी जिसको लेकर कई तरह के भ्रम अफवाहें, लेकिन उसके बाद अब देख रहे हैं कमेटी अंतिम चरण में अपने काम को कर रही है और नियमावली समिति जल्द ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद 9 तारीख को ही माना जा रहा है कि यूसीसी लागू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पारू, चूंकि जिस तरह से इस पर सियासत हो रही थी और जिस तरह से शुरुआती दौर की अगर हम बात करें, जब तक समिति का गठन नहीं हुआ तो असंभव सा ये कार्य लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं धामी सरकार ने ये फैसला लिया और इसकी तमाम औपचारिकताएं भी पूरी हो गई है। अब इसका जो नियमावली का जो प्रक्रिया है वो लगभग अंतिम चरण में है और मुख्यमंत्री ने पहले भी सार्वजनिक मंचों से इस बात को बयान किया था कि उनका प्रयास ये रहेगा टीम की रिपोर्ट के आधार पर कि जो 9 नवंबर का दिन है वो एक ऐतिहासिक दिन है उत्तराखंड के लिहाज से, क्योंकि उत्तराखंड का गठन जो है वो 9 नवंबर को हुआ था और राज्य स्थापना दिवस का समारोह जब आयोजित हो रहा होगा तो उस वक्त सरकार इसको लागू करना चाहती है 9 नवंबर को, लिहाजा ऐसे में कोशिश ये की जा रही है और जो नियमावली समिति है उसका भी कार्य लगभग अंतिम चरण में है। जल्द ही ये समिति जो है वो इसका अंतिम प्रारूप मुख्यमंत्री को सौंपेगी और विधि राय के बाद जो है फिर इसको लागू किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कहीं ना कहीं तमाम विशेषज्ञ इसमें रहे हैं और जब ये विधेयक तैयार किया गया था, जब सदन में चर्चा हुई थी उसके बाद फिर इसमें संशोधन किए गए थे, फिर राष्ट्रपति से इसकी अनुमति मिली और उसके बाद जो विशेषज्ञ समिति, उसने एक समिति और गठित की और अब वो इसकी जो नियम है उन नियमों को अंतिम रूप दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है और ये देश का पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड जब जहां यूसीसी जो है वो लागू होगा। अब देखना होगा, क्योंकि जब तक ये पब्लिक डोमेन में नहीं था तब तक तो इस पर सियासत भी हो रही थी, लेकिन अब पक्ष विपक्ष के तमाम जो नेता है उनके पास इसका ड्राफ्ट जो है वो उनके पास है, तो अब देखना होगा कि 9 नवंबर के समय पर ये लागू अगर हुआ तो उसके बाद जो है किस तरह के सियासी हलचल उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। बहरहाल एक पारदर्शी सिस्टम स्थापित करने की कोशिश समिति की तरफ से की जा रही है, पेपरलेस वर्क जो है वो इसमें उस पर फोकस किया जा रहा है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और इससे संबंधित जन्म और मृत्यु के जो प्रमाण पत्र हैं उनको जोड़ने की भी तैयारी है। तब देखना होगा कि एक सिक्योर सिस्टम पर किस तरह से इस कानून को लागू किया जाएगा और कितना फर्क इसके लागू होने के बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, तो इससे जाहिर सी बात है जब कोशिशें तमाम हो रही हैं तो यूसीसी को हम धरातल पर भी लागू होते हुए देखेंगे और अब जो कमेटी है वो भी अंतिम चरण में अपने कार्य को लेकर चल रही है और जैसे कि सोनू ने भी जिक्र किया कि बहुत सियासत हुई है इस मामले में, कम नहीं है, लेकिन अब इसे आप होता हुआ उत्तराखंड में देख रहे हैं। लौटूंगे सोनू अगली खबर पर आपसे बात करेंगे।